हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं बीए सेकंड ईयर, ठीक है, राजनीतिक शास्त्र सेमेस्टर फोर्थ और यूनिट सेकंड, ठीक है। और इसमें हम 9 प्रश्नों को देख चुके हैं, प्रश्न संख्या 10 आपके सामने है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझेंगे प्रश्न की फीलिंग को, क्या कहना चाह रहा है प्रश्न आपसे और हम इसे किस प्रकार से एग्जाम में एकदम सुंदर राइटिंग में लिख कर आएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है प्रश्न, प्रश्न कह रहा है रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत, ठीक है। रूसो की जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत था, उस सिद्धांत की विवेचना करना है, वर्णन करना है हमें अपने शब्दों में, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूँ, जैसा प्रश्न दिया गया है वही अपनी हेडिंग लगा देंगे, ठीक है। हेडिंग डालेंगे कि रूसो का सामान्य इच्छा सिद्धांत, ठीक है। आप शुरू कर देंगे तो रूसो के राजनीतिक दर्शन में, ठीक है, रूसो के राजनीतिक दर्शन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व सामान्य इच्छा का सिद्धांत है, ठीक है। कैसा है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत है रूसो अपनी इस धारणा पर, ठीक है, स्वतंत्रता और सत्ता हित, ठीक है, स्वतंत्रता और सत्ता, ठीक है, हित और कर्तव्य, व्यक्तिता, ठीक है, व्यक्तिता और सर्वव्यापकता, ठीक है, इसमें सामंजस्य प्रस्तुत करता है, ठीक है। और व्यक्ति समझौते द्वारा, ठीक है, व्यक्ति क्या है, समझौते के द्वारा समुदाय के लिए, समुदाय यानी कम्युनिटी के लिए अपनी शक्ति का, ठीक है, अपनी पावर का जो परित्याग करता है, यानी अपनी शक्ति को क्या करता है, त्यागता है, उसे उसकी वैयक्तिक, ठीक है, वैयक्तिक इच्छा का स्थान एक सामान्य ले लेती है, ठीक है। रूसो ने सामान्य इच्छा की पृष्ठभूमि में यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा में अंतर किया है, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे यथार्थ इच्छा। रूसो के अनुसार यथार्थ इच्छा जो है मानव की, ठीक है, मानव की इच्छा का वह भाग है जिसका लक्ष्य व्यक्तिगत स्वार्थ की, ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है, व्यक्तिगत स्वार्थ की पुष्टि हो, क्या हो, व्यक्तिगत स्वार्थ की, यानी पर्सनल स्वार्थ की क्या हो, पुष्टि हो, और जो स्वयं व्यक्ति के केंद्रित हो, ठीक है, इसके अंतर्गत सामाजिक हित की अपेक्षा व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रबलता होती है, ठीक है। डॉक्टर आशीर्वाद, ठीक है, डॉक्टर आशीर्वाद के अनुसार, ठीक है, इनके शब्दों में बात करें तो यह व्यक्ति की समाज, ठीक है, व्यक्ति की समाज विरोधी इच्छा है, क्षणिक एवं तुच्छ इच्छा है, ठीक है, यह संकुचित तथा स्वविरोधी भी है, ठीक है। चलिए अगला कौन सी, आदर्श इच्छा, अगला हेडिंग डालेंगे आदर्श इच्छा और इसमें लिखना शुरू कर देंगे। तो इसके विपरीत आदर्श इच्छा मानव की वह इच्छा है जिसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का कल्याण हो, ठीक है, इसका एम क्या है, संपूर्ण समाज का कल्याण हो। अब इस इच्छा के अनुसार मानव की स्वयं के हित को, ठीक है, मानव की जो है स्वयं के हित को सामाजिक हित का अभिन्न भाग मानता है, ठीक है। चलिए आगे बात करें, तथा संपूर्ण समाज के हित को, ठीक है, दृष्टि में रखते हुए विचार करता है। इस इच्छा में व्यक्तिगत स्वार्थ का, इस इच्छा में जो होता है व्यक्तिगत स्वार्थ का सामाजिक हित के साथ सामंजस्य तथा व्यक्तिगत स्वार्थ पर, ठीक है, सामंजस्य तथा व्यक्तिगत स्वार्थ पर सामाजिक हित की प्रधानता, कौन से, सामाजिक हित की प्रधानता होती है। डॉक्टर आशीर्वादम के शब्दों में सामान्य इच्छा की परिभाषा एक समाज के सदस्यों की आदर्श इच्छाओं के योग अथवा इससे भी अधिक उत्तम शब्दों में उनके, ठीक है, उनके एकीकरण, ठीक है, एकीकरण के रूप में की जा सकती है। प्रसिद्ध विद्वान ग्रीन, ठीक है, कौन, ग्रीन ने सामान्य इच्छा का सूक्ष्म और अर्थपूर्ण व्याख्या करते हुए लिखा है, क्या लिखा है, कि सामान्य आदर्शों की चेतना, ठीक है, सामान्य आदर्शों की चेतना ही सामान्य इच्छा है, ठीक है, सामान्य आदर्शों की चेतना ही क्या है, सामान्य इच्छा है। बोसकी, ठीक है, बोसकी के अनुसार, बोसकी क्या कहते हैं, बोसकी के अनुसार सामान्य इच्छा, ठीक है, सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज की सामूहिक अथवा सभी व्यक्तियों की ऐसी इच्छाओं का समूह है जिसका लक्ष्य सामान्य हित, ठीक है, सामान्य हित की पुष्टि हो। जमीनों, ठीक है, जमीनों दांते इस समुदाय को श्रेष्ठ भावना कहते हैं। रूसे ने कहा, ठीक है, कहा नहीं होगा, कहा होगा, ये डंडा यहां से यहां लगा देंगे। आगे बात करें, रूसो ने कहा मतदाताओं, ठीक है, मतदाताओं की संख्या से
कम तथा उस सामाजिक हित की भावना से अधिक इच्छा। ठीक है, क्या सामाजिक हित की भावना से अधिक इच्छा सामान्य बनती है जिसके द्वारा वे एकता से बंधते हैं। ठीक है, किससे बनते हैं, यूनिटी यानी एकता से बंधते हैं। आगे बात करें तो अगली हेडिंग डाल देंगे सामान्य इच्छा का निर्माण। ठीक है, किसका, सामान्य इच्छा का निर्माण। रूसो का कहना है, क्या कहना है, कि हम सबकी इच्छा से चलते हैं और सामान्य इच्छा पर पहुंचते हैं। ठीक है, हम जो हैं सबकी इच्छा से चलते हैं और सामान्य इच्छा पर पहुंचते हैं। ठीक है, आगे, जब कभी जनता के सामने कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो जनता का प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, जनता का प्रत्येक व्यक्ति उस प्रश्न पर व्यक्तिगत दृष्टिकोण, ठीक है, व्यक्तिगत दृष्टिकोण से विचार करता है। ऐसा समाज यदि सभ्य और सुसंस्कृत हो और उसमें नागरिकता की भावना हो तो विचारों के आदान प्रदान, ठीक है, विचारों के आदान प्रदान की, ठीक है, विचारों के आदान प्रदान की इस प्रक्रिया, इस प्रोसेस में, ठीक है, इस प्रक्रिया या प्रोसेस में व्यक्तियों की स्वार्थमयी, ठीक है, स्वार्थमयी होगा यहाँ पर, आकार डंडा मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, स्वार्थमयी इच्छाओं, ठीक है, इच्छाओं के एक दूसरे की, ठीक है, एक दूसरे की इच्छाओं को नष्ट कर देती हैं, और प्रक्रिया के, ठीक है, इस प्रक्रिया के होना चाहिए, और इस प्रक्रिया, इसमें सिंह कोई दिक्कत नहीं, आप सभी समझदार हैं, ठीक है, और जो है इस प्रक्रिया, ठीक है, इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप सामान्य इच्छा का उदय होता है। पारस्परिक वाद विवाद, ठीक है, पारस्परिक वाद विवाद के परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत इच्छाएं परिष्कृत हो जाती हैं और उनकी इच्छा का सर्वोत्तम रूप प्रकट होता है जो सामान्य इच्छा है। जो क्या है, सामान्य इच्छा है, यानी कि जनरल इच्छा है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करें, किसी प्रश्न पर विचार विमर्श करने के पश्चात, ठीक है, किसी प्रश्न पर विचार विमर्श करने के पश्चात समाज के सभी सदस्यों की स्वार्थ परक या यथार्थ इच्छाएं आपस में नष्ट हो जाती हैं और संपूर्ण समाज के हित में यानी आदर्श इच्छाएं शेष बचती हैं। ठीक है, चलिए, जिस प्रकार दिया गया आपको B1+6² + B की पावर 3+B के पावर 4+B की पावर 5 = सामान्य इच्छाएं, यानी कि ये सब अलग अलग इच्छाएं हैं। ठीक है, अलग अलग इच्छाएं दी गई हैं आपको, आदर्श इच्छाओं का योग, ठीक है, क्या है, आदर्श इच्छाओं का योग है। चलिए, तो ये प्रश्न जो है आपका क्या होता है, यहाँ पर समाप्त होता है। अब प्रश्न समाप्त, तो आपको क्या करना है, आपको जो है रिवाइज करना है दोस्तों। ठीक है, क्या करना है, रिवाइज। अब रिवाइज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है आपको, कि आप जब भी रिवाइज करेंगे तो आपने जितना पढ़ लिया है वो आपके माइंड में क्या होगा, सेट हो जाएगा। अब जिसका बेनिफिट आपको कहाँ मिलेगा, जब आप एग्जाम में प्रश्न लिखने को बैठेंगे, जिस समय और बच्चे इधर उधर ताका झाकी करेंगे उस टाइम आप अपनी कॉपी में फटाफट लिखते रहेंगे और समय से पहले ही बिल्कुल एकदम अच्छे शब्दों में लिखकर आराम से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं आप अपने एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, बस शर्त यही है कि अभी वीडियो को बंद नहीं करना है, तुरंत आपको फिर पीछे हटाना है और रिवाइज कर देना है। ठीक है, रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। ठीक है, और रिवाइज भी करेंगे, है ना, रिवाइज भी करेंगे क्योंकि अच्छे नंबर से पास करना है, तो रिवाइज तो करना ही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।